गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मन्ना टेरेस गार्डन में, और मैं आपकी होस्ट अंजू जम्मू से। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो कोलियस प्लांट पर है कि कैसे हम ऐसे कौन से कारण है कि जिससे हमारा जो कोलियस प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। वैसे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमारा कोलियस प्लांट होता है उसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ केयर टिप्स फॉलो करने से वो सालों साल आपके गार्डन में बन सकते हैं। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं कि जब ये प्लांट जो है वो आपके पास बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाता, और ऐसे कौन से कारण हैं। जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं, ये जो मेरे प्लांट हैं ये देखिए उनकी कुछ हालत कुछ ठीक नहीं है, कुछ लैगी से हो चुके हुए हैं। ये आप देख ही सकते हैं ये कैसे एक बिल्कुल लैगी बिल्कुल डी शेप हो चुके हुए हैं। एक कारण ये होता है, और एक कारण मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जैसे आप पोटरी सा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्लांट के ऊपर ये जो लगा हुआ है ये पोटरी सा, ये भी एक हमारे कोलियस में सबसे ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम जो कोलियस को फेस करनी पड़ती है वो एक प्रॉब्लम होती है। और एक तीसरा जो कारण होता है हमारे जो कोलियस को, वो कारण होता है हमारी ओवर वाटरिंग होती है, और उसमें जो पोटरी सा ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो पेस्ट अटैक होता है वो एक कारण होता है, और हमारी जो लोकेशन होती है जो कोलियस प्लांट के लिए वो बड़ी मस्ट होती है। और इन और आज मैं इन्हीं कारणों को फॉलो आपको बताना चाहती हूँ। और जैसे कि ये देख रहे हैं कि अब ये बिल्कुल डी शेप हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो उन कारणों में हमें ये करना चाहिए कि हमें ये जो कटिंग्स हैं वो हमें इनको सेव करके इनको कटिंग्स को ग्रो कर देना चाहिए, ताकि जो आपके जो प्लांट हैं वो आपके पास सालों साल आपके पास बने रहने चाहिए। दूसरा कारण ये है कि अगर आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी नहीं है तो आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने दिखाया, ये अब बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैंने दो दिन पहले भी इसको मैंने इसको ट्रीट करने की कोशिश भी करा था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब मैं इसकी भी एक जो कटिंग है ये सारी मैं ले कर आपको ग्रो करना बताऊँगी। और इसके कारण मैं ये बताऊँगी जो मेजर जो कारण होते हैं हमारे, ये जैसे मैंने बताया कि एक ये डी शेप हो चुका हुआ है, दूसरा कारण मैंने बताया कि लोकेशन क्या चीज़ होती है, और ये आप देख ही सकते कितने सन बर्न हो चुके हैं। ये जैसे देखिए, ये क्योंकि ये जो मैंने रखे हुए थे बिल्कुल टेरेस पे जाके रखे हुए थे, और टेरेस में धूप भी आ रही थी, और कुछ मेरे इंडोर इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं इन जो प्लांट ये जो प्लांट थे मैं इनको शिफ्ट कर पाती, लेकिन काफ़ी हद तक जो प्लांट थे वो मैंने शिफ्ट भी करे, लेकिन जो बिल्कुल ही डी शेप हो चुके हैं। तो आज मैं इनकी कटिंग लेने वाली हूँ और आपको बताने जाती हूँ। और साथ में कोशिश करें जब भी आप अपने कोलियस को रखें इसको शेड में रखें, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, तो वो भी एक कारण है। और तीसरा कारण है ओवर वाटरिंग जो है वो आप अपने प्लांट्स पे कभी मत करिए, और जब भी आप इनको वाटर करें तो इनकी जो सॉइल है वो उनको चेक करके उनको वाटर करें। तो और आज मैं यही कुछ कटिंग्स लेने वाली हूँ, और आज क्योंकि ये मुझे प्लांट्स चाहिए अपने गार्डन में, और इसके लिए ये मैं एक प्लांट ले लेती हूँ। ये मैं कुछ हेल्दी सी इसमें से कटिंग्स जो हैं वो मैं इसमें से ये ले लेती हूँ, ताकि मुझे सारा प्लांट तो अब चाहिए नहीं, क्योंकि अब इसकी डी शेप हो चुका हुआ है। डी शेप होने के बाद ये खूबसूरत भी नहीं लगेगा, तो कोशिश करिए आप इस प्लांट की जो है कटिंग्स लेके रख दीजिए। अभी भी मैं इसमें कटिंग ले लेकिन मुझे कुछ भी इसमें हेल्दी वाला कुछ इतना खास दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको मैं साइड पे रख देती हूँ फ्रेंड्स। और ये मैंने इसमें सॉइल भी डाल के रखी हुई थी, तो जो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने वेल ड्रेन सॉइल ली, और मैंने इसमें अभी छोटे से ही पॉट लिए हैं, और इसके लिए आपको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, और मेरे पास वर्मी कंपोस्ट था, ये जैसे ही आप देख सकते हैं मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है, और इसमें ये जो गार्डन वेल ड्रेन सॉइल है जो हमारी है ये मैंने पहले ही पॉट में आपको इसमें डाल दी थी, ताकि मुझे कटिंग्स ग्रो करने में आसानी हो जाए। और इसके ये जो नीचे के ये जो लीव्स हैं ये फ्रेंड्स आप कोशिश करिए सारे निकाल दीजिए, तो ये आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये इसका नोड एरिया होता है, तो इसको ये जो है ये आपके ये सॉइल में ज़रूर जाना चाहिए, जिससे हमारी रूटिंग होगी। तो कोशिश करिए इसके ये जो लीव्स हैं ऑलमोस्ट मैं इसके काफ़ी रिमूव कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो अभी और भी मैं इसकी कटिंग्स जो है वो मैं इसको ग्रो करने वाली हूँ, ताकि क्योंकि कोलियस की वैसे भी हमारे जो इसकी जो लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है। और अब मैं इधर कुछ कटिंग्स मैं इधर लगा दूंगी, कुछ मैं कटिंग्स उधर लगा दूंगी। तो यही मैं आज आपसे शेयर करने में कुछ काम कर रही थी, तो सोचा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूं, उनको भी पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में मोस्टली मैं कोलियस एक ऐसा प्लांट है जिसके साथ मेरे एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा रहे हैं, कभी ओवर वाटरिंग से वो प्लांट मुझसे ख़राब हो गए, कभी मैंने लोकेशन उनको ठीक नहीं दी, तो ये और कभी ओवर वाटरिंग से भी हो जाता है ये प्लांट काफ़ी जो है ये
ये देखिए मैंने इधर सारी कटिंग्स में अब इधर ही कुछ कटिंग्स में उधर लगा दूंगी और कुछ जो है वो ये देख रहे हैं ये फ्रंट से ये धूप की वजह से है। ये एक्चुअल जो कलर जो हमारे जो कोलियस में खिल के आता है वो इसको सनलाइट तो चाहिए होती है, लेकिन अगर हम आफ्टरनून की धूप अगर इसको देते हैं तो फ्रेंड्स ये जो प्लांट है वो आपके पास सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे ये देखा या मेरे पास भी नहीं बचा और इसकी कटिंग्स में ग्रो कर रही हूँ, तो इसकी मैंने लीव्स जो है वो ऑलमोस्ट छोटी छोटी लीव्स में रहने दूंगी, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने इसकी जो लीव्स हैं वो निकाल दी। और मुझे कोलियस मुझे मेरा फेवरेट प्लांट में से आता है, लेकिन ये काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है इस प्लांट को बचाने के लिए। तो कभी भी आपके पास भी अगर कोलियस है तो आप उनको या तो अगर धूप में रखें तो आप उनको शेड में रखिए, उनको ओवर वाटरिंग ना करिए, और कोशिश करिए अगर आपका भी डी शेप हो चुका है तो आप उनके कटिंग को लगा सकते हैं ताकि ये प्लांट्स आपके पास बच जाए। और आगे आगे आपको पता ही है रेनी सीज़न आ जाएगा तो ये अपनी शेप भी थोड़ी शेप भी ले लेंगे और ये सेटल भी हो जाएंगे प्लांट्स और अच्छे बड़ी जल्दी ही ये ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि समर्स जो होता है वो इन प्लांट्स का ग्रोइंग सीज़न होता है। तो आप भी लगा सकते हैं, अपने कोलियस को बचा सकते हैं इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे मैं बता रही हूँ ये देखिए बिल्कुल टोटली ख़राब हो चुका हुआ था। थोड़े दिन के लिए ये जो प्लांट है इसकी लीव्स वगैरह जो है इसकी जी ये थोड़ी सी आपको लगेंगी बिल्कुल लाइव नहीं है, बिल्कुल गिर गई हुई हैं, तो लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको थोड़ी दिन के लिए शेड में रखिए, 1 वीक के लिए आप इनको किसी अंधेरी जगह पे रखिए और वाटरिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और उसके बाद ये जो प्लांट है वो आपका सेटल हो जाएगा। और इसको एक अच्छी सी लोकेशन दीजिए, बड़ी ज़्यादा सनलाइट में मत रखिएगा, लेकिन ये है कि इसको थोड़ी सी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ छन के धूप आए। मेरे ये धूप की वजह से ही ये थोड़े से ये जो प्लांट थे ये ख़राब हो गए। मैं अभी और भी जो प्लांट्स हैं मैं आपको मैं बताऊंगी कि उनको भी मैंने अब पॉट में मैंने उनको शिफ्ट करना है। और ये जैसे मैंने ये लगा दिया काफ़ी मैसी हो गया हुआ, लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स की जो गार्डनिंग के जो वर्क होते हैं वो काफ़ी मैसी होते हैं, और ये मैं इनको इधर रख दिया। और फ्रेंड्स उसके बाद आप इसमें ये मैंने और थोड़ी सी इसमें सॉइल भर देती, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ये भी इसमें डाल दिया है। तो आप इसमें मैं वाटर करके इनको किसी शेडी एरिया में रख दूंगी फ्रेंड्स। और भी अभी मेरे पास और भी मैं बताऊंगी कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मैंने इनको शिफ्ट करना है। अभी भी बड़ी कटिंग्स है मेरे पास, मैं और प्लांट्स बताऊँ मेरे काफ़ी प्लांट्स जो है मैंने ख़राब हो चुके हुए हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें वाटर कर दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये मैं साइड पर रख दी थी। फिर अब मैं बताती हूँ कि मैं कुछ प्लांट्स जो हैं वो मैं शिफ्ट भी करने वाली थी। जैसे ये मेरा एक ये जो प्लांट है ये मैं यहाँ से मैं काफ़ी टाइम से मेरे इस ये भी कटिंग से ही ग्रो करा हुआ था, तो कोशिश करिए ये मेरा कुछ मेटल का है, ये भी अच्छा नहीं है क्योंकि बिकॉज़ ये इसमें भी मेरा जो प्लांट है मैंने सोचा ये भी कहीं ख़राब ना हो जाए, दैट्स वाई आज मैं इसको भी अपने इस पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो आज यही बस सिर्फ आपसे शेयर करना था। तो आशा करती हूँ आपको ये आज का जो मेरा ये टॉपिक है कोलियस प्लांट के ऊपर ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।